Rural Voice AgriTech Show presented by National Cooperative Development Corporation. नमस्कार, Rural Voice में आपका स्वागत है. मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं Rural Voice AgriTech Show presented by National Cooperative Development Corporation को लेकर. इस शो में हम एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं जिसका फ़ायदा किसान उठा सकता है या कृषि क्षेत्र से जुड़े कारोबारी उठा सकते हैं. इस शो में हम लोग तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट को लेकर आते हैं जो इसकी बारीकियां हमें समझाते हैं, और साथ ही एक ऐसे उपयोगकर्ता किसान या एंटरप्रेन्योर को लेकर आते हैं जो इसका व्यावहारिक पक्ष आपके सामने रखता है. आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का विषय है क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर मिल्क टेस्टिंग, जिसको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल ने तैयार किया है. आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो. देश में दूध का उत्पादन 18 करोड़ टन से ज़्यादा होने लगा है. इसके साथ हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक हैं. इसका फायदा देश की GDP को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, लेकिन दूध की गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल उठते हैं. कई बार जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उसमें इस तरीके के उत्पादों को मिलाते हैं जो व्यक्ति की सेहत के लिए खतरनाक है. इसमें न्यूट्रलाइजर मिलाया जाता है, इसमें चीनी मिलाई जाती है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है. तो इस तरीके के उत्पाद सेहत के लिए तो खतरनाक हैं ही, किसानों के लिए भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि नकली दूध बिकने से उनके अपने दूध की जो शुद्ध दूध है उसकी बिक्री घटती है. लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो? बड़े पैमाने पर अगर कोशिश करेंगे तो मशीनों की लागत बहुत है, उसमें लंबा समय लगता है. इसका बहुत आसान उपाय अब हमारे सामने है, हमारे लिए उपलब्ध है. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल ने एक ऐसा तकनीक विकसित की है जो बहुत ही किफ़ायती कीमत पर बहुत कम समय में दूध के अंदर मौजूद गैर जरूरी तत्वों का पता लगाने में कारगर है. कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ही इसका पता लगा सकता है दूध शुद्ध है या नहीं है. इसके लिए एक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है जो कुछ सेकंड में दूध में उपलब्ध गैर जरूरी उत्पादों के बारे में आपको बता देती है और आपको पता लग जाता है कि दूध शुद्ध है या नहीं है. क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर मिल्क टेस्टिंग पर बात करने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजन शर्मा, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के केमिस्ट्री डिवीजन में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं. आइए बात करते हैं डॉक्टर राजन शर्मा से. डॉक्टर राजन शर्मा, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है. धन्यवाद सर. मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा, क्योंकि आप डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, दूध में जो मिलावट का मसला है वो कितना बड़ा है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? मिलावट हमारे देश में दूध की जो की जाती है वो, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो कहते हैं ना अनस्क्रूपलस लोग हैं, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. दूध में फैट, दूध का जो है, दूध में जो बसा होती है वो दूध का सबसे कॉस्टली कंपोनेंट है. और दूध में बेसिकली पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है तो दूध का फैट और SNF कम हो जाता है. तो इस सब की आपूर्ति के लिए फिर दूध में अलग अलग तरह के केमिकल डाले जाते हैं. खासतौर से कौन से इस तरीके के मिलावटी तत्व है जो दूध में ये लोग मिलाते हैं और सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते? दूध में एक तो है कि जो फैट सबसे कॉस्टली है, तो फैट को लोग रिमूव कर लेते हैं और उसमें वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं. जब वेजिटेबल ऑयल मिलाते हैं तो वेजिटेबल ऑयल क्योंकि दूध में घुलनशील नहीं है, को मिलाने के लिए थोड़ा सा डिटर्जेंट डालते हैं. इस तरह दूध में दो एडल्टरेंट आ गए. नंबर दो, जो आपने बोला कि पानी डालते हैं और पानी के बाद जब उसका दूध का उसको दाम नहीं मिलता है तो दूध में फिर वो SNF को गैर कानूनी तरीके से पहुंचाने के लिए उसमें जो चीजें डालते हैं उनमें केमिकल्स हैं, जैसे माल्टोडेक्सट्रिन, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, मतलब खाने वाली चीनी, यूरिया और खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड. एक तो मुझे ये बताइए कि तकनीक जो विकसित हुई है कैसे आप लोगों ने उसको तैयार किया है और ये किस तरीके से काम करती है? हमने सोचा कि हम एक ऐसे साधारण टेस्ट बनाएं जहां दूध खरीदा जाता है वहां पे ही वो टेस्ट को किया जाए. इसके लिए सर हमने, जैसे मैं एक ये यूरिया की जो पेपर स्ट्रिप दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है कि हमने इस तरह का एक स्ट्रिप बनाई है और स्ट्रिप के आगे एक केमिकल से जड़ित एक पेपर लगाया है. हर एक मिलावट के लिए पेपर अलग है. आपने जिसमें भी दूध को टेस्ट करना है तो आपने उसमें डिप करना है, उसको निकालना है और इस पेपर का रंग चेंज होगा. इस पेपर का रंग जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपको मिलावट का अंदाजा होगा. इसके लिए हमने 8 तरह के टेस्ट डेवलप किए हैं जिसमें
यूरिया है, न्यूट्रलाइजर है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोडेक्सट्रिन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और फॉर्मल्डिहाइड है। इस तरह के टेस्ट हमने डेवलप किए हैं और कहने का मतलब आपको 8 टेस्ट करने पड़ेंगे, पर ये 8 टेस्ट लगभग 7 से 8 मिनट में आप कर सकते हैं और एक आम आदमी इसको कर सकता है और दूध की गुणवत्ता आप 8 टेस्ट के सुनिश्चित कर सकते हैं। ये टेस्ट आप ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें आगे एक केमिकल्स से इम्प्रेगनेटेड पेपर लगा हुआ है, आप ये 8 टेस्ट एक स्ट्रिप पे भी कर सकते हैं, पर इसको करने के लिए क्योंकि हर जगह समस्या अलग अलग है मिलावट की, तो हमने सोचा कि इसको अलग अलग बनाएं तो वो शायद ज्यादा किफायती रहेगा, तो उस इकोनॉमिकल रहेगा, उसके हिसाब से फिर हमने अलग अलग बनाया। तो ये जो तकनीक आप लोगों ने विकसित की है उसका बेनिफिट कौन लोग उठा सकते हैं? एक तो आपने कहा जहां दूध को लोग लेकर के आते हैं, जहां दूध की खरीदारी होती है, जो कलेक्शन सेंटर है दूध। इस टेस्ट का मेन पर्पस ये था क्योंकि इसके लिए लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे देश में जो दूध की जो खरीद फरोख्त होती है वो छोटे किसान है, तो छोटे किसान 2 से 4 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर इस तरह दूध लेके आते हैं, तो हमें कुछ इस तरह के टेस्ट डेवलप करने थे कि जो कि वहीं पे 2 लीटर दूध को ही चेक कर सके, मिलावटी दूध की जो है अच्छे दूध के साथ मिक्स ना हो सके। आप लोगों ने ये जो टेक्नोलॉजी विकसित की है किस स्तर पर अभी तक इसका उपयोग शुरू हुआ है? जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कोई भी तकनीक जब विकसित होती है तो कोशिश करते हैं कि उसको एंड यूजर तक पहुंचाए। अब इस तकनीक को एंड यूजर कौन है? जो दूध की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी और जो कि दूध कलेक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, देश की प्रतिष्ठित जो दुग्ध व्यवसाय में जो डेयरी हैं और साथ में कुछ एंटरप्रेनर हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने देखा कि इस स्ट्रिप्ट को लेके वो अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्ट डेयरीज को सप्लाई करें। एनडीआरआई क्या करती है? एनडीआरआई टेक्नोलॉजी देती है स्ट्रिप्ट बनाने की, एनडीआरआई स्ट्रिप्ट को सेल नहीं करती। एक मेरा सवाल है कि ये जो तकनीक आप लोगों ने विकसित की है किसान के लिए किस तरह फायदेमंद है? किसान दूध पैदा करता है और किसान, हम ये मानते हैं कि किसान मिलावट नहीं करता है, किसान जो शुद्ध दूध का उत्पन्न कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और जो मिलावट के गैर कानूनी काम करते हैं उनके लिए ये टेस्ट काम करेंगे। टेस्ट करने पर कितना खर्चा आता है यूजर का? 10 से 12 रुपए का खर्चा सारे टेस्ट करने में आता है। डॉक्टर राजन शर्मा, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और हमें दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए जो टेक्नोलॉजी आप लोगों ने विकसित की है बहुत सरल है, आसान है, लोगों की पहुंच में है, उसके ऊपर विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट को सुना, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और इसका विस्तार कर रहे हैं। आज के हमारे किसान या एंटरप्रेन्योर जो है वो है बब्बर सिंह, जो करनाल में डेलमॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं और एनडीआरआई द्वारा विकसित इस तकनीक का विस्तार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बब्बर सिंह से। बब्बर सिंह जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा जो क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर मिल्क टेस्टिंग है जो एनडीआरआई ने विकसित की है, उसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली और कैसे आपने इसके ऊपर काम शुरू किया? सर, मैं बेसिकली एनडीआरआई का ही प्रोडक्ट हूँ। एनडीआरआई से मैंने बीटेक किया डेयरी टेक्नोलॉजी में। कुछ मैं सर्च कर रहा था कि किस तरह से स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो मैं उनकी गाइडेंस लेने गया था। तो उन्होंने वहां पे मुझे अपने जो उन्होंने टेस्टिंग प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे वो मुझे दिखाए। सो क्योंकि मैंने डेयरी इंडस्ट्री में काम किया है तो मुझे वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एडल्ट्रेशन एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, वहाँ ऑलरेडी मेरे दिमाग में वो चीज थी। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रोडक्ट के बारे में बताया उसी टाइम वो हिट कर गया। आई थिंक वो टाइम था कि हमने डिसाइड किया कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसको मार्केट में लेके जा सकते हैं। सो जो ये स्ट्रिप बेस्ड टेक्नोलॉजी थी एनडीआरआई की, सो इसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये थी कि ये माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एडल्ट्रेशन भी डिटेक्ट कर सकता है। आप मुझे बताइए कि ये जो स्ट्रिप टेक्नोलॉजी है तो ये काम किस तरह से करती है? प्रोडक्ट को किसी भी लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फार्म लेवल पे जाके भी, जहाँ पे जो चिलिंग सेंटर्स होते हैं, जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी इसको यूज कर सकता है। उसके लिए इसको कोई भी टेस्टिंग नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सो ये प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है यूज करने में। जैसे देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है हमारा डेल स्ट्रिप, ये ब्रांड है, जो ये स्ट्रिप है बेसिकली, ये कलर है इसका, बेसिक कलर जो होता है स्ट्रिप में, जो बॉटम पे ये पैड लगा हुआ है जी। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको मिल्क में डिप करना है। 2 सेकंड के लिए डिप करेंगे, 2 सेकंड में डिप करने के बाद इसका कलर चेंज होगा, उसके बाद ये कलर को आप
कलर चार्ट से कंपेयर करेंगे, देखिए ये ओरिजिनल स्ट्रिप कलर है, अगर नेगेटिव होगा तो आपका यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव होगा कितने परसेंट एडल्ट्रेशन है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपके दूध में मिलावट तो है ही, और कितने परसेंट मिलावट है। जो बाकी के जो केमिकल टेस्ट है वो ये नहीं बता सकते कि आपके दूध में मात्रा कितनी है मिलावट की। अभी जो ये टेक्नोलॉजी है इसका विस्तार कितना हुआ है? हमारा मकसद ये था कि पहले जो 20% मिल्क है जो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू पास हो रहा है उसको हमें एडल्ट्रेशन फ्री करना है, लाइक अमूल है, नेस्ले, मदर डेयरी, वीटा, वेरका, अब जिस भी ब्रांड का नाम ले वो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं अपनी मिल्क सप्लाई चेन में, जहां से मिल्क कलेक्शन स्टार्ट होता है। बबर सिंह, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आए और हमें क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर मिल्क टेस्टिंग, इस तरीके से हमारे देश में दूध उसकी गुणवत्ता को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि उन्हें बेहतर दाम मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर मिल्क टेस्टिंग के बारे में बात की। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई तकनीक को लेकर जिसका किसान फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके लिए YouTube के बेल आइकन को क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रूरल वॉइस एग्रीटेक शो की अधिक जानकारी आप हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी हासिल कर सकते हैं।